ऐसा चिंदी चोर कांडू भाई। देखो अगर तुम इस पे भी कॉपीराइट मारने वाले हो या इसको भी वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कराने वाले हो, ब्रो दिस सॉन्ग इज बाय एंडी रोया। हाँ ये वही म्यूजिक है जो तुमने किसी मूवी में यूज करी थी जिसमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी भी थे। ओके जस्ट इन केस तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तो मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो करी थी ये वाली, और आज इस पे यशराज ने क्या कहूँ मैं रिस्ट्रिक्शन मार दी है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे बॉलीवुड म्यूजिक कॉपी करता है, और इन स्पेसिफिक ये वीडियो ही यशराज को डेडिकेटेड थी क्योंकि यशराज मेरी हर वीडियो पे जिसपे उनका छोटा सा हिस्सा भी आता था उस पे वो क्लेम मार देते थे। तो बेसिकली ये साबित करने के लिए यशराज मेजरली खुद कॉपी करके बनाता है तो किस बात के लिए पैसे मारता है। तो उन्होंने वो वीडियो देखी और वो इतना ज्यादा भावुक हुए मेरी वीडियो देख के कि उन्होंने उस वीडियो को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक मार दिया है। फन फैक्ट, इस 9.5 मिनट की वीडियो में केवल 19 सेकंड मैंने यूज किया था उनके क्लिप, और वो दो गाने थे जो दोनों ही गाने इन्होंने फॉरेन से कॉपी किए हुए। बट स्टिल मतलब जो ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर है उन गानों का उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। यशराज ऑफेंड हो गया, पब्लिक को तुम बता कैसे रहे हो हमने यहाँ से उठाया, ना 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 ना। और क्योंकि मैंने उनको चिंदी चोर बोला था तो इस बार उन्होंने क्लेम नहीं मारा, इन्होंने वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मेरी बात सुन के उस वीडियो पे क्लेम नहीं मारा, उन्होंने क्लेम इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मार नहीं सकते थे, वीडियो फेयर यूज के अंदर आती है। Why are we still here? Just to suffer. जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना मुझे पता था कि यशराज क्लेम मारे, 110% में श्योर था यशराज क्लेम मारेगा अगर मैं इनकी फुटेज यूज करूँ। और उस ओवरऑल वीडियो को बनाते वक्त ये चीज मेरे दिमाग में थी, तो मैंने उस वीडियो को ऐसे बनाया कि वो 99.99% फेयर यूज में आए। अगर मैं 100% बोलूंगा ना तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस साउंड करूंगा। मैंने 19 सेकंड यूज किया तो तुमने पूरी वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक मार दी। हजारों वीडियो पड़ी है सेम चीज पे जिन्होंने मेरे से कई गुना ज्यादा क्लिप यूज करी हुई है अपनी वीडियो में, वो वीडियोस अभी भी अप है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि पैसे यशराज को जा रहे हैं। यशराज चिंदी चोर था, है और रहेगा। जहाँ पे आधे से ज्यादा छोटी छोटी कंपनियां ओरिजिनल कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने में बिजी हैं, वहीं पे यशराज कहीं और बिजी है लोगों को चूतिया बनाने में। अबे इतना तेज दिमाग तो बादाम खाने से नहीं होता जितना तेज ये अपना गाना किसी वीडियो में देख के क्लेम मारते हैं। # चिंदी चोर साले। यशराज इतना ज्यादा चिंदी चोरी में घुसा हुआ है ना कि जब उसका हेड अपने घर जाता होगा और उसकी बीवी तौलिए से साफ करते हुए अपने आप को बोलती होगी हम वेट, ये बंदा उस पे भी क्लेम मारता होगा, साली ये टॉवल काजल ने यूज किया था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उतार इसको। नो गॉड प्लीज नो 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 नो। मतलब यशराज को देखते हो इंटरव्यूज में, ओरिजिनल कंटेंट, न्यू कंटेंट, यशराज द लेजेंडरी फिल्म्स, ये बड़ी बड़ी बातें ना बाद में करना, जाके पहले कुछ नया लेके आ। आई नो तुम में से बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कॉपीकैट हूँ, नहीं ब्रो मेरे से बड़े कॉपीकैट हैं, वो है यशराज। एंड डोंट यू डेयर टू कॉल मी अ कॉपीकैट। जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। तुम्हें क्या लगता है यशराज आज तक ओरिजिनल कंटेंट क्यों नहीं लेके आ पा रहा? यही तो है, उनके पास बीवियां हैं, मेरे पास नहीं है, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी पड़ती है। पता क्या, एक बार भूप हो जाए ना और साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, अभी बूबी बोलता है कि मैं तो दूध देता है तो मैं सुपीरियर, वहीं पे वजाइना बोलता है ब्रो दूध ही तो कोई भी दे देगा, मैं बच्चा निकालता है तो तेरे से सुपीरियर मैं। बारी आती है गांडी की, अबे देख क्या रहा है यशा, जवाब दे भाई, पब्लिक जानना चाहती है। यार तुमने कभी किसी को देख के सोचा है बहनचोद कितना बड़ा चूतिया है? हर बार जब मैं यशराज को देखता हूँ ना या उसका कंटेंट देखता हूँ मेरे दिल से भी यही फीलिंग आती है। He's a bitch of a son. And यशराज just in case तुम्हें ये चीजें बुरे लग रही हैं, दिल में क्यों लेता है ब्रो, मुंह में ले लेना मेरा। पता है जब आदमी के साथ गलत होता है ना तो वो मेक श्योर करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है ना तो आगे से मैं टेक केयर करूंगा, जितनी हो सके लोगों की हेल्प करूंगा। Why are you fuck that? अगर किसी ने मुझे चिंदी चोर बोला है मैं करेगा साबित। सीरियसली ब्रो आज इस वीडियो के बाद में फुर्सत से ना एक टी शर्ट छपवाएगा यशराज चिंदी चोर है, और पूरे महीने में वही टी शर्ट पहन के वीडियो बनाएगा। यशराज इकलौती ऐसी कंपनी है ना जिसे देख के मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, दुनिया में सब है। पता क्या, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो यूजुअली मैं कुछ करता नहीं, मैं शांति से बैठ के उसको सोचता हूँ, जब तक मुझे गुस्सा है तब तक मैं कुछ नहीं करता, शांति से बैठ के सोचता हूँ, बट आज नहीं।
आज यशराज कह के लूंगा तेरी। आधा घंटा रिकॉर्ड करने के बाद मुझे एहसास हुआ ये ज्यादा हो गया, ये जरूर ऐसे ज्यादा हो गया। ना ना ना, ये ज्यादा हो गया, ज्यादा भी ना चलता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोला है मैंने। फनी होनी चाहिए थी या एंटरटेनिंग होती वीडियो, वो फनी भी नहीं थी एंटरटेनिंग भी नहीं थी। तो मैं कहा नहीं नहीं थोड़ा रुक के सोच समझ के करते हैं। सी इवन अभी भी मैं बहुत एंग्री हूँ और इसमें मैंने बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ जो मैं नहीं रखने वाला इस वीडियो में। सो ऑल आई एम सेइंग इज सबर रखो, संडे तक का वेट करो। और आई नो यशराज तुम चाहते हो फ्री पब्लिसिटी, आई विल गिव यू दैट, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो तुम मेरे को कितने दिनों से देख रहे हो, रेगुलरली देखते हो या नहीं हो, बट आज मैं तुम्हें जिंदगी के ना बहुत सबक, बेसिक सबक देता हूँ। किसी भी पढ़े लिखे बंदे को या कितना भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा इंसान ही क्यों ना हो, कितना करोड़पति क्यों ना हो, किसी को भी हक मत देना तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, कोई इतना क्वालिफाइड नहीं कि तुम्हें गलत ठहरा सके, तुम बेस्ट हो जैसे भी हो। और अपना हिसाब जिंदगी में ना बहुत सिंपल रखना, कभी किसी का बुरा चाहना मत, बट अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो उसकी मानने से पहले सोचना मत। That's all. आज के लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान है। और एक्चुअली मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मेरी शक्ल से दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मैं एक्चुअली बहुत गुस्से में हूँ। एक होता है लॉजिक और एक होता है सही होना चीजों का, मुझे फर्क नहीं पड़ता चीजें मेरे खिलाफ हो या मेरे हित में हो, बट चीजें सही होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फेयरली होनी चाहिए, वो मुझे ही गलत साबित क्यों ना करती हो। बट जो एंटरटेनमेंट आज की दुनिया में चल रही है या स्पेशली जो मीडिया कंपनी चला रही है ना, इसे मैं गुंडा राज कहता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास लॉयर्स है, मीडिया कंपनी लॉ के साथ खेलती है तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हें याद है जब मैं बोलता हूँ तुम्हें हम क्रांतिकारी हैं, ट्रस्ट मी जिस दिन मैं उस लेवल पे पहुंच गया ना, ये सब बदलेगा, मीडिया कंपनी सब बदलेगा। या तो तुम नए रूल्स बनाओगे जो फेयर होंगे, लॉजिकल होंगे और सबको बेनिफिट होगा उससे, ना कि सिर्फ तुमको, या फिर तुम आउट ऑफ बिजनेस जाओगे, क्योंकि हम लोग ब्रोस हैं ना मैन, वी नेवर गिव अप। हे इफ यू वोंट गिव इट टू मी आई एम गोना टेक इट। यशराज, इट्स नॉट ओवर मैन, इट्स नॉट ओवर।